आधार कार्ड से भी गाड़ी ले जा सकता है। आधार कार्ड और अपना पासपोर्ट साइज फोटो दो पीस लेके आएगा, गाड़ी ले जाएगा। ये है कि आधार कार्ड लेके आपका गाड़ी निकल जाएगा। अच्छा, आधार कार्ड से गाड़ी मिल जाएगा आपका। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो लेके आना, उसके बाद आपको गाड़ी। एड्रेस बता दीजिए आपका, जो शोरूम एच मोटर का जो आपका शोरूम है, जहाँ पे लोकेशन बता दिए, एग्जैक्ट कैसे आना होगा बताइए थोड़ा सा। हम लोग का लोकेशन जो है शोरूम जहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ट्रैगा से आप सीधे आप आ सकते हैं। सीधे मेन रोड होते हुए ट्रैगा होते हुए मुसरा होते हुए भी आ सकते हैं। अच्छा, आप इधर होते हुए आएगा, बेनुगर होते हुए इधर भी आप आ सकते हैं, बहादुरगंज होते हुए सीधा आप आ सकते हैं लोचा होते हुए। तो आपको मतलब क्या कहते हैं, फलत सुना दीजिए आधार कार्ड में। अच्छा अच्छा, तो एक बार ये जगह बता दीजिए, लोकेशन कौन सा जगह में? लोकेशन है मटियारी में। हाँ मटियारी, सुंदरवाड़ी। हाँ सुंदरवाड़ी मटियारी। तो दोस्तों खुल गया शोरूम, खुला है सुंदरवाड़ी मटियारी में। क्योंकि आप सब भी आए और मौका दे, बिल्कुल अवश्य मौका दे। और आपको मैं बता दूं कि जे एच मोटर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और दोस्तों मैं क्या ही बताऊंगा, और यहां आएंगे तो आपको सब चीज़ का अवेलेबल मिलेगा। और एक बार आए अवश्य मौका दे, क्योंकि पता ही होगा आप जे एच मोटर में इस वक्त मौजूद, और सेल्समैन के साथ बात करूँगा। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मेरे कैमरा में कि बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ पे, और मैं यूं ही आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि शोरूम में जो आया आप, क्या नाम है आपका, नाम बताइए। आबिद भाई, आपके शोरूम में सबसे स्पेशली गाड़ी कौन सा है बताइए। स्प्लेंडर प्लस। अच्छा अच्छा, इस गाड़ी को सबसे अधिक अभी शादी ब्याह का टाइम है, सबसे ज्यादा दान दहेज में कौन सी गाड़ी के सेल है? अच्छा, और क्या प्राइस है और डाउन पेमेंट क्या देना पड़ता है बताएं थोड़ा सा। इसका प्राइस ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 96,807 पड़ जाएगा आपको। इसमें आपको खूबी बहुत सारा है, डिजिटल मीटर आ गया, हेलोजन आ गया, ब्लूटूथ कनेक्ट आ गया, और सब बहुत सारा फीचर है इसमें। अच्छा, ये मतलब पहले जो आता था छाता में आता था, अभी ये डिजिटल में आ गया। तो इसका प्राइस आपको 96,807 रुपया पड़ेगा आपको। डाउन पेमेंट आपको इसका जमा करने का कम से कम 25,000 जमा करना पड़ेगा आपको, हो जाएगा। आपको फाइनेंस में भी करना पड़ेगा, सर कैश में भी आपको यहीं पे भी हो जाएगा, आधार कार्ड से भी हो जाएगा, पैन कार्ड से भी हो जाएगा। अगर आप बैंक के थ्रू से लीजिएगा तो आपको पेटीएम, ये बैंक का पासबुक देना पड़ेगा, उसके बाद एटीएम जमा करना पड़ेगा, आपको उससे भी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये सारी सुविधा इस सब गाड़ी आपको लेने के लिए, घर में लेके जाने के लिए ये सब गाड़ी मिल जाएगा आपको। और बिल्कुल अवश्य एक बार शोरूम में आए, और अच्छा ये सेम ब्लू और ब्लैक है, ये सेम है, और आपको अगर डिजिटल में नहीं लेना, आपको काटा में लेना है। अच्छा, तो उसी का नीचे वाला लो है जो पहले आया हुआ था, तो ये हो गया आपका, ये आपको काटा में है, ये ऑल मॉडल है, ये ऑल मॉडल, ये काटा वाला में हो गया। अच्छा अच्छा, देखिए देख सकते हैं ये जे एच मोटर में आप आ सकते हैं। और क्योंकि अभी फिलहाल ये इस शोरूम का उद्घाटन हुआ है, कई लोगों को पता भी नहीं इस चीज़ के लिए, बिल्कुल शोरूम इनको सेवा करने का मौका दे। और कौन सी गाड़ियाँ बताएं थोड़ा सा। और ये ग्लैमर क्लासिक, ये इसमें आपको पहले कांडा में आता था, अभी आपको इसमें डिजिटल में भी अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, ग्लैमर क्लासिक जो है पहले जो है ना, हाँ, इसका एनालॉग मीटर में आता था। अच्छा अच्छा, अभी जो है कंपनी आपको डिजिटल मीटर में भी दे रही है, क्योंकि अभी जमाना डिजिटल का है, जी बिल्कुल, सारा चीज लोग जो है डिजिटल में खोजता है। अच्छा, इसलिए आपको ग्लैमर क्लासिक भी डिजिटल में मिलेगा, और ग्लैमर का एक स्टेक आता है जो टॉप मॉडल का होता है। अच्छा, वो भी हमारे पास है, सामने रखा हुआ है। स्पोर्ट में कोई लेना चाहता है, हाँ, तो स्पोर्ट में 160R का एक्सट्रीम भी अवेलेबल है हमारे पास, जो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, इसका ऑरेंज कलर है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, वो आ जाएंगे। अगर लेडीज के लिए लेना चाहते हैं तो अभी स्कूटर जूम में आया हुआ है, ये नया डिजाइन है जी, इसमें भी आपको जो है डिजिटल मीटर मिल जाएगा। और इसका अच्छा, इसका क्या प्राइस है? इसका आपको 99,860 पड़ जाएगा। 99,860 कैश में, और डाउन पेमेंट देना होगा तो? अगर आप डाउन पेमेंट में लेना चाहते हैं तो कम से कम जो है 15 से 16-17 तक, कम से कम में 15 तक में हो जाता है। अच्छा,
फिर उस डिपेंड करता है जो कस्टमर है उसका सिविल किस तरह का है। अच्छा, अगर अच्छे से लोन लिया तो कम से कम में हो जाएगा, मिनिमम डाउन पेमेंट में अच्छा गाड़ी ले सकता है। अच्छा, तो चलते हैं और शोरूम में आपको पूरा गाड़ियाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे ग्लैमर का क्या है? ये ग्लैमर क्लासिक टाइप है, डिजिटल मीटर है ग्लैमर। ये आपका सर सुपर का है, एस्टेक में, ये भी डिजिटल मीटर नहीं है। और ग्लैमर का एक एस्टेक में भी है जो वहाँ है, मैं ये भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये ग्लैमर का टॉप मॉडल है, ग्लैमर एस्टेक का, ये आपका डिजिटल मीटर में ही आता है। ये डिजिटल मीटर है इसमें जो है ना सर, आपको I3S का भी फैसिलिटी है। I3S क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी जो चलाते हैं ना, तो रनिंग पीरियड में जब नहीं गाड़ी हम लोग रोकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के अंदर जो है गाड़ी इंजन ऑफ हो जाता है। और जब चलाते हैं तो गाड़ी का गियर काटना है और क्लच दबाना है, सेल्फ नहीं लेना है, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। और ये जो है ना अधिकतर ट्रैफिक के लिए ये सिस्टम दिया गया है I3S का। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 168,000, 151 है। ऑन रोड जी, ये डबल डिस्क में है। अच्छा, ऑन रोड है क्या इसमें? अच्छा, सर्विस वर्विस करवाना तो क्या कैसे क्या बताए, क्या प्रोसेस है बताइए थोड़ा सा। करने के लिए प्रोसेस ये है कि आप उधर से सर्विस के लिए आइएगा। अच्छा, आइए, आपको मैं सर्विस की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये हम लोग का सर्विस का जाने का रास्ता है, गली होते हुए गाड़ी को लाया जाएंगे। अच्छा, इस होकर के यहाँ पे एंट्री करते हुए यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे रहेंगे, तो जॉब कार्ड के लिए रहेगा, उसका सर्विस से एंट्री करने के लिए वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, नंबर है उसका, यहाँ पे हमारा सर्विस किया जाएगा गाड़ी। ये सारे सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाए, जो भी चीज़ के ऊपर चढ़ा के गाड़ी को सर्विस किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद इंजन, जिसका इंजन का ये प्रॉब्लम होगा तो इंजन के लिए बनाने के लिए इंजन लेके जाएगा। यानी कि इन टोटल A to Z काम आपके गाड़ी वाशिंग के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, गाड़ी वॉश यहाँ पे होगा, यहाँ पे गाड़ी वॉशिंग के लिए है। और पार्ट्स का टोटल सामान भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हीरो का जितने भी सारा सामान है टोटल आपको मिल जाएगा। तो पार्ट्स का ये हो गया हमारा। अच्छा, ये पार्ट्स मिलेगा। और जो कार्ड बनाने के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, मैं दिखा दूँ आपको कि ये वेटिंग रूम है, और वेटिंग रूम में यहीं बैठ करके जो कस्टमर जो आएंगे ये वेटिंग रूम में ही बैठा जाएगा। और इस शोरूम का पूरा जितने भी जो हर एक चीज़ मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, और ये वेटिंग रूम है, यहीं बैठा जाएगा।